देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी खबर जनपद फरुखाबाद से सामने आ रही है, जहां सहारा और पल्स द्वारा लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा हड़प किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय कटियार की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व महिलाओं कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन कर सहारा इंडिया व पल्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इन कंपनियों ने आम आदमी का पैसा एफडी व आरडी के नाम पर जमा कराया और बाद में धोखा दे दिया। प्रदेश का कोई भी जिला नहीं बचा जिससे हर गांव और मोहल्ले के लोगों के रुपए इन कंपनियों में लगे ना हों। पिछली सरकारों ने कंपनियों द्वारा आहत लोगों को कोई सुध नहीं ली, जिससे आम जनता का पैसा यह कंपनियां हजम किए बैठी हैं। कांग्रेस ने कंपनियों से जनता का पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की है। मामला आया था आज, हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उपस्थित हुए और आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कंपनी पल्स और सारा इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इन कंपनियों ने गरीबों की जो कमाई, खून पसीने की कमाई को हड़प रखा है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चों का पेट काट के, कहीं ना कहीं खेतों में मेहनत करके, कहीं ना कहीं प्राइवेट रोजगार करके जो पैसा कमाया था उसको इन्होंने निवेश किया। और इन कंपनियों के लोगों ने ये कहकर कि हम 2 साल में या 3 साल में पैसा दुगना कर देंगे, ये कहकर पैसा जमा कराया और आज पैसा वापसी नहीं कर रहे हैं। ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारे बीच में तमाम महिलाएं उपस्थित हैं, तमाम लोग इसमें ऐसे हैं जो अपने कागज़ लेके आए हैं सहारा और पल्स के, जिसमें उनका रुपया फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं हम सरकार से भी ये कहते हैं कि इनकी ओर देखा जाए। सरकार जो है पूंजीपतियों की है, सरकार पूंजीपतियों के साथ है, गरीब की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है। हम कांग्रेस जन आज आंदोलन कर रहे हैं कि इन गरीब को उनका हक मिलना चाहिए, उनका पैसा मिलना चाहिए। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और हम ये दावा करते हैं कि हम इनका पैसा दिलवा के रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।